बागपत में हुआ बड़ा हत्याकांड, सांसद सत्यपाल सिंह के पैतृक गांव में हुई हत्या की वारदात। तीनों हत्याओं से दहला जनपद। बागपत आटा चक्की करने वाले युवक को हमलावरों ने उतारा मौत के घाट। बाद में घेरकर ग्रामीणों ने दो हमलावरों की धारदार हथियारों से काटकर की हत्या। गांव में जमकर हुई फायरिंग, चले धारदार हथियार। कल भी आटा पिसाई को लेकर हुआ था झगड़ा। एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। आईजी थोड़ी देर में घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। गांव में फोर्स तैनात। थाना रमाला क्षेत्र के बसौली गांव का मामला है। देखिए, रमाला थाने के अंतर्गत गांव बासौली है। यहां पर आज एक गांव का रहने वाला जो लड़का है शेखर, 15 से 16 साल उम्र उसकी बताई जा रही है, उसको आज यहां पर पता चला है कि कुछ लोग आए थे, करीब दो दर्जन उनकी संख्या बताई जा रही है, 24-25 की संख्या में लोग आए हैं। और फिर इनका कुछ छोटा सा झगड़ा था कल का, जो अनाज पीसा जाता है उसको लेकर के, कि इनके घर पर अनाज पीसा जाता है जो मृतक हैं, और वहाँ से जो अनाज की बोरी थी वो कोई दूसरा उठा ले गया था, लेकिन इसको लेकर के इनके गांव के कुछ लोग हैं उनसे कहा सुनी हुई, और उस कहा सुनी को ही रंजिश मानते हुए आज उसने बाहर से आसपास के गांव से कुछ लड़कों को बुला लिया, और फिर वो लोग तमंचे वमंचे से लैश होकर के यहाँ पर आए, और उस लड़के को यहाँ पर बगल में जहाँ पर हम लोग खड़े इसके पास ही उन्होंने गोली मार दी, जिससे कि उस लड़के की मृत्यु हो गई। इससे जब गांव वालों ने उसको घेरना शुरू किया या लोग इकट्ठे हुए, तो उसको देख करके उन्होंने गांव वालों के ऊपर भी फायर किया, जिस पे लोगों ने उनको दौड़ाया, और फिर जो उसमें मारपीट में उनकी मृत्यु हो गई। जो दो अन्य हैं जिनकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन उनके हम लोग फोटो सर्कुलेट करके और जल्दी जल्दी शिनाख्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी भी मृत्यु हो गई है। तीनों डेड बॉडियों को यहाँ से उठा करके मर्चरी भेजा जा चुका है, और बाकी मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जो भी आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई है वो की जा रही है। घायल कितने लोग हैं? बदमाश थे और कुल मिलाकर कितने लोग घायल हैं? देखिए, अभी तक जो बताया जा रहा है उसके अनुसार करीब दो दर्जन उनकी संख्या बताई जा रही है, यानी कि 25 के आसपास लोगों को बताया जा रहा है, जो कि पैदल ही तैयार करते हैं। कुछ तो गाँव के लोग थे और बाकी कुछ गाँव के बाहर से आए हुए थे। बाकी घायलों की अभी तक कोई संख्या ऐसी नहीं आई है, क्योंकि ज़्यादा मारपीट जैसी कोई स्थिति नहीं बनी है। यहाँ उनको मारा गया है, और फिर जो उसमें बचाव पक्ष में जो हमला हुआ उस पर बाकी दो लोग मरे। कुछ लोग घायल भी हैं? अभी तक तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। बाकी जो लोग होंगे उनको हम लोग मेडिकल करवा रहे हैं। थैंक यू।